ये हम क्या कर रहे हैं? ये कर रही है जो कर रही है। इशारे मत करो, दादी को पता तुम कर रही हो। दादी धक्का मार रही है आपकी फेवरेट पोती। अग्नि बेटा, साक्षी बेटा, आओ ना। हाँ, चलो अंदर। हाँ। आए, चलो बेटा। हाँ। सामान, सामान। चलो, सीधे चलो। हाँ। तुमने हमारा बात का मान रखा और चली आई, बहुत अच्छा किया। तो कुछ ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। मतलब तुमने तय कर लिया है कि तुम किसी भी कीमत पर जो है वो अपना जिद नहीं छोड़ोगी। अपनी दादी को छोड़ सकती हो लेकिन अपना जिद नहीं छोड़ोगी ना। जानते हो तुम्हारे बाबूजी जब छोटे थे ना तो हमारा उंगली पकड़ पकड़ कर चलते थे। हर बात मानता था वो हमारा। लेकिन हम बुला रहे हैं कि तुम लोग जो है वो आजकल के बच्चे हो, आजकल की पीढ़ी हो, हमारा बात काहे मानोगे? हैं हम तुमको साथ ले जाना चाहते हैं लेकिन तुम अपना ही जिद पकड़ कर बैठी हो। हमको तो जाना ही होगा ना। बस दिल में यह मलाल रह जाएगा कि हम फिर से अपना पोती से दूर हो रहे। तुम्हारा बहुत याद आएगा बिटिया। अच्छे से जानते हैं कि पुलिस वालों का जो दिल है वो बहुत ही सख्त होता है, पर हम भी देखते हैं कि अपनी दादी के आगे जो है वो तुम कैसे नहीं पिघलती हो। ये तुम्हारी दादी का प्यार भरा ब्रह्मास्त्र जो है ना वो सीधे जाकर तुम्हारे मन पे लगेगा। चलते हैं हम। हैं जा रहे हैं। ऐसा तीर मारा ना दादी आपने, सीधा यहां आके लगा। तो दादी है तुम्हारी, समझी। अग्नि जी, आप भी आइए। व्हाट अ सरप्राइज। प्लीज प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। बदतमीजी करोगे, अब तमीज भी हम सिखाए तुम्हें। हाँ, पहले तमीज खुद सीख लो फिर हमको सिखाना। मत करो। I'm really sorry. It's okay. Right hand. I'm ठीक है। देखिए ना इंस्पेक्टर, अपनी
कितनी बड़ी इत्तेफाक की बात है। एक दिन आपने मुझे सहारा दिया था अपने घर पे, और आज मैंने आपको सहारा दिया वो भी अपने घर पे। आप सो वो कहते हैं ना हिसाब किताब, आपका और मेरा हिसाब किताब बराबर है अभी, वी आर इक्वल। जी थैंक यू। नहीं वो एक और बात कहते, वो सेम पिंच। सेम पिंच। घर में पाँव रखा नहीं कि बंटा धार कर दिया। आके बोला क्या वो? कहाँ बोले, देख तो रही हैं आप इतना सब। चुप कर, उधार हो गया उधार। अम्मा जी अब जाके आया इस घर में रौनक, एक तरफ अग्नि और दूसरी तरफ साक्षी, एकदम मिर्च मसाला का जोड़ी है दोनों का, और अब घर का स्वाद चटपटा हो जाएगा। हाँ क्या धार, आइए आइए प्लीज प्लीज आइए ना दादी। काकी आइए, हम आपको अम्मा जी का कमरा दिखा देते हैं, आप दोनों साथ में रहेंगे तो हंसना बोलना भी होता रहेगा, आप लोग सब थक गए होंगे, चलिए। ठीक है। अरे रुक, अभी तो आए हैं ये लोग, दो चार बातें तो करने दे। करिए ना, हंसना बोलना तो चलता रहेगा। रेवती जी आपको म्यूजिक श्यूजिक से कोई एलर्जी तो नहीं है ना? वो क्या है ना कि हम जब तक दो चार अंग्रेजी गाना नहीं सुन लेते ना, तो हमारा खाना हजम नहीं होता चुटकी बजा के। नहीं नहीं बहन जी, कहा है ना कि ऐसी जो आपत की पुड़िया है ना, इनकी दादी है हम, दिन भर ना इनका शोर शराबा धमाका धूम धड़ाका सब चलता ही रहता है, आदत हो गया हमको। वैसे एक बात बताएं, आप लोगों ने जो हमको घर में बुलाया है ना, बहुत बड़ा एहसान किया है, उसके लिए धन्यवाद। एहसान वहसान का बात छोड़िए, अगर आप फिर भी कुछ करना चाहती हैं ना, तो उपाय है उसका, आप अपने गांव का चटर पटर बातें हमको सुना दीजिए। अच्छा तो चले अब। हाँ हाँ जाओ ना, हमने कब रोका है, जाओ। हाँ वही तो। किशन जी हम आपके मेहमान हैं, मेहमान भगवान होते हैं, तो मेहमान का सामान नहीं उठाइएगा? सामान हाँ हाँ दीजिए ना प्लीज, मैं अभी उठाता हूँ। मजाक कर रहे थे हम, इट्स ओके। अग्नि जी अगर आप कहें तो मैं आपका सामान उठा लूं। क्यों आप बोली हैं? नहीं मैं तो किशन हूँ। तो किशन साहब हम अपना सामान खुद उठा लेते हैं। हम तो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते अपना बोझ किसी और पे डालने में, पर बोझ उठाने वाला काबिल होना चाहिए, है कि नहीं? किशन जी जरा हमारा कमरा हमें दिखा देंगे? हाँ बस यही है आपका कमरा। बिटिया यहाँ ना हमारा तुम्हारा नहीं होगा, कहा है कि इतने भले लोग हैं, हमको रहने के लिए जगह दिया है, तो एक ही कमरा में दोनों को रहना होगा है? दादी हम इसके साथ नहीं रहेंगे, नो नॉट नेवर, हमें अलग कमरा चाहिए, इनके इतने बड़े महल में दो एक्स्ट्रा कमरे तो होंगे। साक्षी चुप रहो। नहीं नहीं अरे हमारा घर में बहुत कमरा है, और हम नहीं चाहेंगे कि तुम दोनों अलग कमरा में रहो, एक ही कमरा में रहो, और एक ही कमरा में रहेंगे तो प्यार भी बढ़ेगा। जहाँ प्यार होगा वहाँ नोक झोंक तो होगा ही। एकदम सही कह रही हो। और वो देख के हमको बड़ा मजा आ जाएगा चुटकी बजा के, और घर में रौनक भी बना रहेगा। माँ जी आंख मत दिखा, जा पिटिया को कमरा दिखा। तुम्हें तो हम ऐसा थर्ड डिग्री टॉर्चर करेंगे कि हमारे साथ क्या, शादी के बाद कभी अपने पति के साथ भी रूम शेयर नहीं कर सकोगे। ओ मैडम हम यहाँ अपना हाथ मुंह धोने क्या गए, तुमने तो पूरी ये जगह ले ली, हमारे कपड़े भी तो है, हम कहाँ रखेंगे अपने कपड़े? हमको क्या पता? तुमको नहीं पता तो फिर किसको पता? तुम ढूंढ लो ना कोई खोपचा, तुम अपने कपड़े लगाओ वहां और हम सोने जा रहे हैं यहाँ। गुड नाइट। अब बहुत नींद आ रहा है। खोपचे में कौन कपड़े रखता है? ओह मजे आ गए। तुमने सुना नहीं दादी ने क्या कहा था?
कि ये जो कमरा है ये आधा हमारा भी है, तो कृपया करके आप वहां सोइए, हमें यहाँ सोना है, ठीक है? अरे काहे थक रही हो, अगर तुम नहीं आती तो ये पूरा कमरा हमारा होता। क्या है ना, जब से आप खोले हैं तब से हमने किसी के साथ कुछ नहीं बांटा है, ना हमारा कमरा और ना ही अपनी दादी का प्यार। लेकिन हमारा बहुत बड़ा दिल है, तुम बेचारी कहाँ पर सोगी तुम? और वो देखो पूरा खाली जमीन है, मुलायम मुलायम कारपेट भी है, यहीं अपना बिस्तरा लगा लो, ठीक है? गुड नाइट। हम यहाँ सोए, बहुत मजा आ रहा है, बेड भी बहुत मुलायम है, बहुत। हम भी आराम से यहाँ सोएंगे। सो लो। बहुत तेज चलती हो तुम, अब तुमको भगाएंगे। नहीं मानोगी? देखो लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा, तुम प्यार से सो जाओ, हम यहाँ प्यार से। अरे हम लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, गांधी जी के भक्त जो ठहरे। तो ये क्या बीन बजा रही हो? जाओ बजाओ बीन बजाओ। चलो सो जाओ, हम आराम से सोएंगे। हमारी किताबें? क्या हमारा सामान क्यों गिराया? हमारा सामान क्यों गिरा दिया? गिराया पानी? अरे हमको पानी पीना था, अंधेरा था, तुम बीच पे आ गई, तुम पे गिर गया, हम क्या करें? पानी पीना भी गुनाह है। ये बदतमीजी तुम्हारी बहुत हो गई। दादी की इज्जत करते हैं इसलिए चुप है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, वरना ना जो फेकड़ी है ना तुम्हारी, ऐसे ऐसे दो ही मिनट में निकाल देंगे। चुटकी बजा के शांत तक। अरे जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं है। आ जाओ सो जाओ सो जाओ आराम से। वाह बिटिया, क्या फाइट किया! फाइट नहीं, कैट फाइट, मजा आ गया, चुटकी बजा के। दादी आप कहे तो इन दोनों बिटिया का कमरा अलग करा दी। खबरदार, नौकरी से निकाल देंगे, बड़ी मुश्किल से एंटरटेनमेंट मिला है, तो खत्म कराना चाहती है। हट, और सुन दूध ले आकर हम करके मेरे लिए, और उसमें ना चॉकलेट डाल देना। दादी कौन वाली चॉकलेट? अरे जाना वो विदेश से जो लाया था किशन। चलो सोया जाए, बहुत नींद आ रही है, बेड भी बहुत मुलायम है, हम तो सिरकते जा रहे हैं। सुबह चोरों को पकड़ो, रात को इस चोरनी को पकड़ो, हमारी तो ना लाइफ स्पॉइल हो गई है यहाँ बिलासपुर आके। अब तो ये दादी और कुछ? अरे कुछ नहीं, कहीं नहीं, भाग यार। क्यों आए हम? क्यों आई अग्नि यहाँ पे? क्यों आई बिलासपुर अपनी लाइफ स्पॉइल करने? क्यों 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 क्यों? मच्छर मार रहे हैं, अब मलेरिया के चुन चुन के मारना पड़ता है, कुछ छोटे छोटे होते हैं और कुछ 5 फुट 2 इंच के।
सही बात है, मच्छरों को ऐसे ही मारा जाता है, कहो तो तुम्हारे गाल पे भी मार दे। अब बजाओ ताली, बिल्कुल बजाओ। हमारा क्या है, हम तो सीधा दादी के पास जाएंगे, फिर हमको मत कहना कि रात को दादी को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तुम मारो मच्छर। आज का कोटा पूरा हो गया। क्या हुआ छोटी, आज घर में काम बहुत था ना? नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं। कब से देख रही हो, एकदम चुपचाप गुमसुम हो, अपने ही ख्यालों में। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मन में भी वही ख्याल आ रहा है जो बात मेरे दिल में चल रही है? मतलब जीजी, आप भी क्या उन दोनों लड़कियों के बारे में सोच रही हैं? हाँ बिल्कुल, लोग कितना सच कहते हैं ना, घर में लड़कियां रहने से घर की रौनक बढ़ी रहती है, बिल्कुल घुंघरू की तरह पूरे घर में छमछम चहकती रहती है ना? आप बिल्कुल सच कह रही है जीजी, ये दोनों लड़कियां भी ना कमाल के स्वभाव की हैं, एकदम बच्ची हैं, लेकिन जब काम का मामला आता है बहुत जिम्मेदार है। हमारे किशन की हम उम्र के कोई बच्चे नहीं थे घर में, लेकिन इन दोनों के आ जाने से किशन को एक नहीं दो दो हम उम्र के लोग मिल गए। हाँ जी जी, वो तो है, लेकिन कितने दिन, एक ना एक दिन तो ये दोनों लड़कियां वापस चली जाएंगी, किशन फिर अकेला हो जाएगा। अकेला क्यों रह जाएगा, उसकी भी तो शादी होगी, उसकी भी तो दुल्हन घर आएगी। इन दोनों से काश ऐसा हो पाता, काश ऐसा हो, लेकिन हमारे सोचने से क्या होगा, हम तो ये जानते भी नहीं कि किशन के मन में क्या चल रहा है, वो चाहता है भी या नहीं। वैसे सिर्फ किशन क्यों, हमें इन दोनों लड़कियों के मन की बात भी जाननी होगी। अच्छा दीदी आप रुकिए, मैं ना गरम तेल लेकर आती हूँ, फिर आपके पाँव की मालिश कर देती हूँ। रहने दो, आज घर में काम बहुत था, तुम भी थक गई होगी, आ जाने दो, कोई बात नहीं। नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तेल लेकर आती हूँ। आई फील अग्नि, आपको एक वॉक कर लेना चाहिए, एक वॉक कर लेना चाहिए। अरे अरे, दरवाजा क्यों बंद कर दिया, दरवाजा खोलो। तुमको कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा लगता है क्या, हम सोएंगे कहाँ, तुम्हारे सर पर? कैसे सोएंगे, हम बताते हैं। अभी व्हेन साक्षी इज हियर नो फियर, एक ही देख के ये लो आराम से सो जाओ। अरे दादी ने कहा है सोते वक्त भगवान का फोटो देखना चाहिए, शैतान का नहीं, इसीलिए गुड नाइट टू मी एंड बैड नाइट टू यू। अब हम सोएंगे आराम से, वो भी पूरे बिस्तर पर। बहुत तेज चलती हो ना तुम, तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे। दूसरों के घर में कैसे बिहेव करते हैं वो भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा इसको। यार पूरे कपड़े गीले कर दिए, मैनर्स होती है मैनर्स, वो तक नहीं आते हैं, ऐसे कौन करता है यार। दादी ने ना सर पे चढ़ा के रखा है, उतारूंगी तो मैं ही बेटा। बहुत तेज चलती हो ना तुम मिस डॉक्टर, बताऊंगी तुम्हें। शांत अग्नि शांत, कल चोरों से भी निपटना है ना, उनको भी पकड़ना है ना, तो अभी सो जाओ यहाँ। बहुत तेज चलती है ना वो, निपटेंगे उससे बहुत जल्दी, सो जाओ। पता नहीं मैंने मोबाइल चार्जर कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। इंस्पेक्टर अग्नि, इंस्पेक्टर अग्नि, सोफा पे।